अम्बेडकर राजा। मोमबत्ती लगा लगा के हम लोग दिन निकाले हैं कि पानी नहीं है तो बच्चे लोग को। देखिए आज इनको टाकी बनाना है, कल बोलेंगे हमारे को गार्डन बनाना है, फिर या तो हमारे को मारो, मार के आपको जो भी बनाना चाहे बना दो, तो हमारी लाशों के ऊपर से हम उनको गुजरना पड़ेगा। जैसे हमारा घर है वैसे ही रहने दो, हम लोग यहाँ से एक पत्ता नहीं लाएंगे। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा के टोल नाके के नजदीक शिवराम मामा के बंगले के पीछे 15 सालों से अधिक पतरे के झोपड़े बनाकर गरीब मजदूर रहते हैं। ऐसे तो पतरे के झोपड़े काफी हैं, मगर कुछ हिस्सा यानी 40 घरों को लगभग नोटिस दिया है वन विभाग ने, तत्काल खुद से खाली करे, अन्यथा वन विभाग खाली करेगी तो उसका खर्च वसूल करेगी। और इस नोटिस में 24 घंटे का समय दिया गया था, यानी दिया गया है 15/2/2022 को नोटिस भेजा है और आज 22 फरवरी है। लगभग 7 दिन बीत गए हैं, अपने आशियाने टूटने का डर, खोने का डर इन रहवासियों को सता रहा है। आखिर क्या होगा, कौन है इसका हमदर्द जो इन 40 घरों में रहने वाले परिवारों को बेघर होने से बचा सकेगा। इन झोपड़े में रहने वाले लोगों ने पत्रकारों से क्या दर्द बयां की है और इनकी मांगे क्या हैं? जिस झोपड़े को तोड़कर हटाने वाले हैं, या यूं कहें जिन गरीबों की आशियाने निरस्त करने वाले हैं, उजाड़ने वाले हैं, वहां पर क्या पानी की टंकी बनेगी? बहरहाल इस तरह की चर्चा है। अम्बेडकर पाड़ा के रहवासियों का कहना है हम यहाँ से नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अभी फॉरेस्ट वाले देखो इतने सालों से इधर कुछ ऐसे बताए नहीं थे, अभी इमरजेंसी में आके ऐसे बोल रहे हैं कि बोले पानी का टाकी बनेगा और बालो ये आंगनवाड़ी खुलेगा, तो इसके लिए कुछ झोपड़े तोड़ने को बोल रहे हैं। कितने साल से यहाँ पर रह रहे आप लोग? नहीं नहीं, तो भी इधर हम लोग हो गए 2002 से समझो इधर है। कितने घरों को नोटिस आई है? करीबन 40 घर है, या मतलब समझो कम ज्यादा है, 40 के अंदर बाहर है। 40 के अंदर, तो आप कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? तो वही तो बात है, हम लोग यही पूछ रहे हैं कि हम जाए कहाँ। नगर सेवक जो है रहन भाई है। बोलते हैं कि सरकार सरकार के देगा, सरकार ने की जगह है क्या यहाँ पे, जो सरकार सरकार के कहाँ देगा? पब्लिक कहाँ जाएगा? नगर सेवक पे आपके? हम लोग को किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग इधर मोमबत्ती लगा लगा के हम लोग दिन निकाले हैं कि पानी नहीं है तो बच्चे लोग को गर्म पानी करके पोछा लगाए, खाली नीला धुलाने के लिए पानी नहीं था यहाँ पे हम लोग को। जब कहा गए थे कोई नगर सेवक आके देखे थे क्या? इतना बड़ा लॉकडाउन था, हम लोग को भूखे पैसे हम दिन निकाले, कोई लाके दिया था क्या खाना खाने के लिए? जो अभी आ गए हक जमा सके हम तोड़ देगा, ऐसा कैसा कोई तोड़ देगा? फिर नहीं करेंगे हम लोग को, जहाँ हम जहाँ है वहीं रहेंगे हम लोग, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमारे झोपड़पट्टी टूटना नहीं चाहिए, बस इतना कहना है हम लोग को। तुमको टाकी बनाना है, तुमको आंगनवाड़ी खोलना है, कुछ भी करना है। कौन बताया टाकी बनाने वाले हैं? रहन भाई बताया, फॉरेस्ट वाले आके नोटिस दिए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं ये किस चीज की नोटिस है, तो बोले रहन भाई से पता करो, तुमको रहन भाई बताएंगे। तो रहन भाई ने और क्या आश्वासन दिया, मतलब जो है नोटिस तो आया है आपको? जी देखो, हमको आश्वासन यही दिया है कि तुमको या तो हम कहीं शिफ्ट करेंगे, या तो तुमको या तो रूम तोड़ने नहीं देंगे। किसी के पास में उतना पैसा भी नहीं है कि चलो दूसरा झोपड़ा बनाए, गरीब इंसान है, पत्रा खरीदने की औकात नहीं है गरीबों की। तो 48 घंटे के अंदर हम लोग इन लोग को खाली करके देने का, हम लोग किधर जाने का, ये बात उन लोग को समझ में नहीं आता है क्या? 48 घंटा का थोड़ा हो गया क्या? 48 घंटे में किसी का रूम बना है ये तो बताओ, झोपड़ा तो भी बनता है क्या 48 घंटे में? और कैसा बोला, हम लोग का टैक्स पावती चालू है, सब चालू है, हम लोगों का मीटर लग गए, सब लग गए, और ये लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि तुम लोग मर रहे क्या, जिंदा है कि गड़े तुम्हारे बच्चे के नहीं करे। और अभी बोले तो सब आ रहे, बोले बालवाड़ी खोलेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बस हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, इधर से नहीं। जैसे हमारा घर है वैसे ही रहने दो, हम लोग यहाँ से एक पत्ता नहीं लाएंगे। तुमको आने का यहाँ से निकलते रहो, अभी बहुत है तुमको यहाँ से भगाने वाले। फिर चाहे TMC हो या फॉरेस्ट वाले हो, ये इसके पीछे खाली साजिश कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी डॉक्टर बाबा अंबेडकर परिवर्तन पक्ष ने 2015 में यहाँ पर जितने भी गौर गरीब थे उनके लिए उनके हक के लिए लड़ी। आज ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा है, इसके भी आप में इसके खिलाफ भी लोग, अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, उसके लिए लोगों को टाकी है, लोगों को टाकी चाहिए पानी की, लोगों को यहाँ से हटाने के लिए क्या एक चाहिए। आज टाकी एक मसला है,
क्योंकि यहाँ पर आज देखो यहाँ पर फ्लाईओवर बनने वाला है, फ्लाईओवर के बाद ये झोपड़पट्टी एक तुम्हारे को एक बोलते हैं धब्बा दिखेंगी, इसके लिए उनको हटाने की एक नियम है, एक साजिश है और कुछ नहीं है। ये लोगों आज लोग 20 साल से लोग यहाँ पर रह रहे, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको ये करने वाला कोई नहीं, लेकिन आज हमारे गाय समुद्र सर ने जो भी हम लोग ने पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी हमारी है परिवर्तन पक्ष, हमने पल पल इन लोग के साथ गोर गरीबों के साथ मदद करी, उनके हक के लिए मदद करे लिए, लेकिन आज इनको टाकी बनाना है, कल बोलेंगे हमारे को गार्डन बनाना है, फिर लेकिन किसके लिए, गरीबों को मार के? ये हक के खिलाफ हम ये हक के लिए लड़ने वाले हैं और हम यहाँ पर कोई टाकी ना कोई आने नहीं देने वाले, चाहे TMC हो या हाँ कोई भी पार्टी हो, हम लोग आने देने वाले नहीं है। जहाँ तक रहे नहीं है, अगर होएगा तो हमारी लाशों के ऊपर से हम उनको गुजरना पड़ेगा, हम उनको करने देने वाले नहीं है। हमारा एक ही अटल है, अगर आपने में दम है, कुछ भी दम है, तो कुछ ना कुछ करके बताओ, और एक भी पत्थर एक भी कुछ भी स्टोन आपने लगाया तो फिर या तो हमारे को मारो, मार के आपको जो भी बनाना चाहे बना लो, खाली खाली झोपड़े उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। लो ये बच्चे देखो, मासूम बच्चे, ये कहाँ जाने वाले, आज इनको देख रहे नहीं है, या औरतें ये यहाँ पर खाने के वांदे, कमाई कुछ नहीं है, आज इनको घर से बेघर कर रहे हैं।